भैया भूल न जाइयो रे, जन सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाइयो रे। भैया भूल न जाइयो रे, जन सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाइयो रे। अरे 2 अक्टूबर ग्वालियर पर, 2 अक्टूबर ग्वालियर से राजा जी मार्च करे है, भाई राजा जी मार्च करे है। ऐतिहासिक दिन है जो एकता परिषद और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के बीच में हमने आम सहमति बनाई है। मुझे खुशी है कि आज इस दस्तावेज पर हम दोनों ने हस्ताक्षर किया है। ये एक शुरुआत है, ये एक छोटा सा कदम है। ये कहूंगा कि मैं और मेरे साथी इस दस्तावेज को बहुत गंभीरता से लेंगे। ये 10 सूत्री समझौता है, मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऐतिहासिक और सबसे क्रांतिकारी मुद्दा जो है, इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए सरकार ने लिखित में वादा किया है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि और आवासहीन परिवारों को आवास कानूनी तौर से देने का प्रयत्न किया जाएगा। बहुत सारे इश्यूज जो आज हम प्राप्त किए वो क्या आसानी से हुआ? मैं गिन रहा था कि बहुत वर्षों के प्रयास से हुआ है। 2006 में 500 लोग ग्वालियर से दिल्ली तक चल चल के, 2007 में 25,000 लोग दिल्ली तक चल चल के ग्वालियर से, 2010 में 12,500 पार्लियामेंट के सामने 3 दिन धरना दिया, 2011 में पूरे देश में 80,000 किलोमीटर पार किया और 2012 में करीब 120 किलोमीटर पार होने के बाद ये उपलब्धि हुई। मैं लोगों की ओर से ये कहना चाहता हूँ, इन तमाम लोगों की ओर से, हम 6 महीना हम मिलके काम करें, ताकत लगाएं, जयराम रमेश जी के ऑनेस्टी पर, सिंसियरिटी पर, उनके उनके इस विषय पर उनकी रुचि के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिलके आज यहाँ खुशी मनाएंगे और वापस जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ से हम सब लोग इसी ग्राउंड से फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो आप सबको बधाई देते हुए, सबको जय जगत।